डियर लर्नर्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी को समझना चाहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आप इस तरह के क्वेश्चन गलत न करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि कितना भी आप मैटर पढ़ लीजिए, जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को समझते हुए उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, एन असेसमेंट इज डैश इफ़ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट। ये कह रहे हैं कि एक असेसमेंट जो है तभी कहलाएगा जब वो उन्हीं बच्चों के साथ सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे। कहने का मतलब उसके रिजल्ट में डिफरेंस ना आए। तो इसके देखिए, ए ऑप्शन है वैलिड, बी ऑप्शन है इनवैलिड, सी ऑप्शन है रिलायबल और डी ऑप्शन है अनरिलायबल। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय है, अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय है, और वैलिड और इनवैलिड का मतलब यही है कि वैध है या नहीं है। तो देखिए, अगर रिजल्ट को आपको सेम दे रहा है या नहीं दे रहा, और उन्हीं बच्चों के साथ रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं रिलायबल, यानी विश्वसनीय। हम कितना विश्वास कर सकते हैं किसी भी टेस्ट पर या किसी भी असेसमेंट पर कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं है। वैलिड का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी टेस्ट में नाउन के बारे में बच्चों को सिखाना चाहते हैं या नाउन के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने नाउन सीखी है या नहीं, तो उस टेस्ट को बनाने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को नाउन की समझ को जान सके, तो वैलिड होता है। इनवैलिड का मतलब होता है कि हमने जो टेस्ट बनाया जिस पर्पज़ के लिए, वो उस पर्पज़ के लिए काम ही नहीं आया। तो यहाँ पर रिलायबल जो है इसका सबसे बेस्ट आंसर है जो आपको समझना है। अगला है, ए डैश असेसमेंट इन वन विच मेजर्स वट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। देखिए, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक असेसमेंट अच्छा तभी है जब वो उस उद्देश्य के लिए बनाया गया हो जिसके लिए उसे बनाया गया है, यानी उस उद्देश्य को पूरा करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो ए ऑप्शन है वैलिड, बी ऑप्शन है इनवैलिड, सी ऑप्शन है रिलायबल और डी ऑप्शन है अनरिलायबल। देखिए, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वैलिड का मतलब होता है वैध। इंग्लिश में हम समझना चाहें, और इसका मतलब अगर साइकोलॉजी में आप समझना चाहें, कि अगर मान लीजिए कोई भी टेस्ट या कोई भी असेसमेंट बच्चों की नाउन की समझ को जानने के लिए बनाया गया है, या बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस या बच्चों की ग्रामर को समझने के लिए, ग्रामर को समझने के लिए बनाया गया है, अगर वो टेस्ट बच्चों की ग्रामर की समझ को जांच पाता है तो इसका मतलब वो वैलिड है, वो अपने उद्देश्य के अनुरूप है। अगर वो नहीं जांच पाता तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वैलिड इसका सही आंसर है। उसके बाद है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। अगर हम लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो वो क्या कहलाता है। देखिए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आएगा आईसीटी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कंप्यूटर का प्रयोग करें तो वो आईसीटी कहलाता है। अगला है, एन असेसमेंट दैट मेजर्स ए स्टूडेंट्स करंट नॉलेज फॉर पर्पज ऑफ असाइनिंग ए सूटेबल कोर्स इज कॉल्ड। अगर एक असेसमेंट किसी स्टूडेंट की करंट नॉलेज फॉर असाइनिंग ए सूटेबल कोर्स, किसी भी सूटेबल कोर्स के लिए उसकी करंट नॉलेज क्या है उसको जांचने के लिए बनाया गया, तो वो क्या कहलाएगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब होता है निदानात्मक परीक्षण, जिसमें हम ये जांचते हैं कि वो बच्चा किन विषयों में कमज़ोर है और उन विषयों के बाद में उसमें सुधार करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अगला है, एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू ए कोर्स। एक कोर्स के थ्रू जो असेसमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक नहीं कहा जाता, फॉर्मेटिव, समेटिव और कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, जनरली कैरिड आउट थ्रू अ कोर्स, किसी कोर्स के थ्रू में बीच में जो असेसमेंट होते हैं उन्हें फॉर्मेटिव कहते हैं। अब समेटिव असेसमेंट होते हैं वो एग्ज़ाम के आप पूरा कोर्स पढ़ा देते हैं उसके बाद में होते हैं, और फॉर्मेटिव होते हैं वो बीच बीच में होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखिए। देख, तो ऐसे ही क्वेश्चन हम शानदार क्वेश्चन आगे भी लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स, किसी कोर्स के एंड में जो होता है वो होता है समेटिव, जिसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल।